दो पीर मर्द ऐसे जिनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया और वो इसी उम्र में बेटा पैदा होया। वो बेचारे बूढ़े होने हो रहे थे, परमात्मा ने घने साल पाछे सुनी, बड़े राजी हुए भगवान ने, एक बेटा दे दिया, जवान हो जाएगा, बहू आ जाएगी, सुख हो जाएगा। भाई बेटा धीरे धीरे जवान होने लगा, जो वो औरत थी वह तक गुजर गई, वो बूढ़ा एकला रह गया बेचारा, और भी बूढ़ा हो गया वो। इब उसने दुख सुख पाके अपने बेटे को भाई पढ़ाया लिखाया, जवान किया, उसकी शादी कर दी। सुनना एक एक बात। शादी के बाद में घर में बहू आ गिर, भगवान के इशे करने हो गए, वह बहू भी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी बात हुई, और एक पोता भी पैदा हो गया बुढ़े के। इब चार पांच साल की उम्र जब उस बच्चे की हुई तो रोज घर में यह घटना घटिया कर दी। एक दिन यह बात ऊपर आ गई, क्यों कर आई सुनियो, कि एक दिन की बात है, जो छोटा सा छोरा था बूढ़े का, जो पोता था, उसकी उम्र चार पांच साल की थी, वह बहू उसने नुहान लाग रही, स्कूल का टेम हो रहा, और वो छोरा बोलिया नोला भगवान लिया, इतने छोरा की स्कूल की बस आवे तू इसने तैयार करे, एक काम कर लिया बाबू की रोटी घाल दे। सुनियो एक एक बात। इब रोटी क्यों कराई, एक हांडी फूटी हुई, मटका फूटा हो, जो उसका टुकड़ा बच जाया करो, उसने गामा में बोला से ठेकरा, आप लोग तो समझते हो गांव में रहते हो ठेकरा, वह भीतर से ठेकरा लिया काट के, और श्यामी खुंटी पे डोलू टंग रहा था लाशी का, और वह लाशी उस ठेकरे में गाल दी। रात के बचे हुए रोटी के कुछ टुकड़े, बासी रोटी, वह तोड़ के उस लाशी में गेड़ दिए, और नो बोले ले पिताजी को दिया वो खाना। ये वो छोटा सा छोरा था, वो सब की मैं देखने लग रहा, बोला पापा आप ये कहां लेके जा रहे हो, बोला बेटे अपने ओबर में कुत्ती ब्यारी जो उसने प्या क्या पुनः होगा, बेटे ये काम करेंगे तो भगवान हमारा भला करेगा। नो बोला पापा मैं भी चलूंगा आपके साथ में, बोला ना बेटा तो वार हो जाएगी स्कूलों में जाना, तू नहा ले मैं आप दिया, बोला नहीं पापा मैं भी चलूंगा। छोरे ने मान्या नहीं, धमका दिया, बोला ना तू नहा ले मैं दिया हूं। आओ ठेकरा लेकर लासी का, उसमें रोटी के टूक पड़े थे, बाबू की पोली में बैठक में पहुंच गया, और उड़ जागन बोले ला बाबू रोटी आ गई, बाबू ने बेरा किसे परौंठे आऊं से रोज, बेचारा चादर उड़े पड़ा था का अठा के चादर, अरे भाई जी से एक दो टूक चबा हुआ खाए, और थोड़ी सी वह खाटी लासी थी मड़ी घूट भरी उल्टा सो गया ठेकरा नीचे धरके। इवन्यू का आग्रह त्रिया हट बाल हट घोड़ा हट और राज हट ऐसे होते हैं, एक बात पड़ जाए पूरी करके मानने, बालक था भी जिद्दी था वो, तो वो ते रोटी दे के वो ठेकरा दे के उल्टा आया, और रुके मारे नु बोला बेटे नहा लिया के लिया तेने स्कूल में छोटा हूं, बसान न हो रही है, देखो तो सारा घर टोलिया छोरा पावे ही नहीं, कड़ गया छोटा सा बालक, जब सारा घर छान लिया तो दादा की खाट दोरे खड़िया, क्यों उसने सारी चीज झांकी में देख ली थी पल्या, दादा की खाट दोरे खड़िया, और उस ठेकरे ने ठारिया कदे उसने न्यू करे कदे न्यू करे, उसका बाबू नु बोला रे बेटा तेरी बस का टेम हो गया, तू आड़ा इसने ठारिया इसने धरते चल तेने स्कूल में छोड़ जाऊं। नबला नहीं पिताजी पहले ये बताओ ये क्या है, कौन सा बर्तन है ये। नबला ये तो ठेकरा सही, इसने धरते इसने केसर में मारा गया, चल स्कूल में छोड़ जाऊं। नबला ना पिताजी मेरी उम्र भले चार पांच साल की है, लेकिन मैं सारी समझू सू, मैं जिस स्कूल में पढ़ू ना उड़े यू ही ज्ञान दिया जा सब, बहुत बढ़िया मास्टर है, बहुत बढ़िया मैडम से, वो सारी समझाऊ, और मेरा पल्ला सारी पड़े से, कि घर में जो बड़े करे ना न्यूए करना है, दादा दादी को राम राम करना है, जो पापा जी कहे वही करना है, मम्मी का कहना मानना, पापा मैं आपका कहना मानूंगा। बोला क्यों करे। नोला बाबू देखे यू ठेकरा से ना। नोला इसने धर दे तू ना बोल लगना। नोला को न्या धरू। बोला क्यों। नोला मैं भी संस्कारी हूं पूरा। बोला क्यों करे। बोला यू ठेकरा धरूंगा जरूर, लेकिन ईसा संभाल के धरूंगा, आज से 20 साल बाद जब मेरी शादी हो जाएगी मेरी घरवाली आओगी उसने भी निकूंगा, भगवान मेरे माँ बाप ने भी इसी ठेकर में रोटी मिलनी चाहिए। लोगो ज्यां तनु के आग रहेंगे ठेकर ने ठेकरा त्यार दरिया से। सुनियो एक एक बोल। चार पांच साल का नादान बच्चा अपने पिता को क्या करने लगे, आपके पांव तल की जमीन खिसक जाएगी। एक छोटे से बच्चे के बोल सुनिए। लिखने वाले ने कति तोड़ कर दिया। हरियाणा का ओरिजिनल रंग आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान तो सुनियो एक बात।
कन्ना के डाटे से खुल जाएंगे। एक छोटा सा बालक अपने पिता को क्या कहता है, आथा के मां देख ठेकरा सैम साप सा लड़ गया सुन बेटे की बात बाप का कलम में नक्शा चढ़ गया आता के मां देख ठेकरा सैम साप सा लड़ गया सुन बेटे की बात बाप का हो बल में नक्शा चढ़ गया कमाने लगा ला छाती पे पाया जिसने छाती में रात जमाने लगा जिसने कदम पढ़ान सिखाया ठोकर ते ठोकराने लगा या दुनिया जिसने रे बाप कवे उसे बाप ते नाक चढ़ाने लगा नहीं समझ में आवे कहानी नहीं समझ में आवे कहानी कर्मा का दोष लुकड़ी गा वो सुन बेटे माता बाप का पल में नक्शा चढ़ गया उठे लोग आए इतना सूत्रा मैल बनाया खुशियां का और मेरे बेटे ने जवान होते ठोकर मार दी लोगो मेरे सारे अरमान बिखर गए। कवि ने एक एक बोली सा गजब का लिखा कि दिल में क्यों कर जाल उठन लगी इस बूढ़े बाप के दर्द लिखा उस बाप का मन में सोचने लग गया किस तरह से जिसने खावने टूक सिखाया जिसने खावने टूक सिखाया उसका एक टुकड़ा खोस लिया सारी उम्र लाड लड़ाए कितना बढ़िया सिला दिया जो ना सोची थी वाहे बन गई जाता को जख्म सिया पितर ले में कोन्या रे बाकी पाट पाट के आवे हिया कोन्या बस की बात मिर रे कोन्या बस की बात मिर रे खुशिया का महल उजड़ गया सुन बेटे शेर साफ सा और मेरे भाइयों बहनों नवला बेटे बतेरा ज्ञान दे लिया ये तो दर्देश ठीक रहे नवला ना पापा
असली बात तरह रही है धर दूंगा इस ठेकरे ने पर न्यू ना धरू इसे ठिकाने पर धरूंगा। जब मेरी शादी हो जाएगी 20-22 साल बाद मेरी धर्म पत्नी आएगी उसने नहीं कह दूंगा भगवान जिसे मेरे दादा के लाड हो जिसे सेवा हुई है जिसका प्रेम मेरे दादा के लिए मेरे माँ बाप ने बरतिया से ना हमने न्यू का न्यू बरतना से हे बापू देखे मेरी बात सुन ध्यान ते यू ठेकरा नहीं धरू धरूंगा ते इसी जगह धरूंगा ताकि मैंने यू पा जा 20 साल बाद और मेरे दादा के साथ में पूरी करनी करके के तेरा कलजा ठंडा पड़ जाएगा। अच्छी बात नहीं जया छोटा सा बालक किस तरह से अपने पिता को नंबर 3 पे क्या कहने लगा सच्ची बात पिताजी मेरा सच्ची बात पिताजी एक एक सुनता जाइए मेरे हाथा में देखे पिरा मत दिल में घबराइए जिसी करी तने मेरे दादा की उसी ये टहल कराइए तू भी एक दिन योगा बूटा करनी का दंड पाइए करके माड़ी करनी ठंडा करके माड़ी करनी ठंडा के तेरा कर्जा पड़िया सहम साफ सा और मेरा सार यही है समझाने का बार 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 एक ही बात के रट लगा ली लोगो और रट भी साची है झूठी को न्या। अरे मेरे भाइयों बहनों माँ शेरावाली ने मनाओ बालाजी ने मनाओ बाबा श्याम ने मनाओ सब ने मनाओ बड़ी अच्छी बात है रे भक्ति भाव बढ़ाओ लेकिन मैं यूं कहना चाहूं सूं ये देवी देवता भी जब राजी होंगे जब आप अपने माँ बाप की आत्मा सीढ़ी करोगे। अगर आप अपने माँ बाप की आत्मा सीढ़ी नहीं करोगे कितनी ये देवी की पूजा कर लो बालाजी की कर लो क्या है कि सेवा पूजा बाड़ी कर लो मैं गारंटी देता हूँ फल नहीं मिलेगा कदे भी क्योंकि असली भगवान माँ बाप से बालाजी महाराज मैया रानी जितने भी देवी देवता सब एक बात कहते हैं माँ बाप की आत्मा सीढ़ी कर दे हम तो बिना बुलाए तेरा घर आ जाएंगे। मैं किसी और का उदाहरण नहीं देता अपना ही देता हूं हमेशा भाई माँ बाप की सेवा करोगे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। और आखिरी में यह बात समझाई कि जो इंसान आख के बीज बोवेगा तो आख के जामेंगे नू ना सोचियो कि आम होंगे मीठे मीठे और छोल के खावांगे मन में ले जियो कदे चुसन के मरे जो भाई मीठे होंगे कती नहीं जामे आख बोगे तो आख के जामेंगे। और लोगो माँ बाप तो इसी चीजों से एक बार लुक के दोबारा दिखे कोन्या अरे इन्हें देख देख के तुम नाक से ढावे बावले बहुत माड़ी बात से लिखने वाले नंबर 4 पे बड़ी उत्तम बात लिखी इस तरह से क्या लिखा आक के इसने बोए बीज आक के फिर आम कड़े ते हो जाएंगे जो करे बुराई रचावे
चढ़ावे वे ईसा ठिकाना टो जाएंगे तो ये ते बिकुना पावे ऐसी शान लगो जाने कगसर आले तू गुरु दया ते कगसर आले तू गुरु दया ते बेटे बोल पसुते घड़ क्या सैम साप सा लड़का सुन बेटे की आता के माँ देख ठेकरा सैम